बता दिया, निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन वमाहिलात। ओ लोगों, एक ऐसा जमाना आ जाएगा तुम अपनी आंखों से देखोगे औरतें लड़कियों को कि तुम देखोगे कि वो कपड़े तो पहने हुए होंगी, उनके जिस्मों पर कपड़े तो होंगे आरियात, लेकिन कपड़ा पहनने के बावजूद भी वो नंगी होंगी, कपड़ा पहनने के बावजूद भी बोरियां होंगी, कपड़ा पहनने के बावजूद उनके जिस्म नुमाया होंगे। आज कपड़ों की फिटिंग देख लो, इतने टाइट कपड़े कि कपड़ा, सुन लो मेरी बहनों, सुन लो मेरी माओ, सुन लो और मेरी कौम की बेटियों, फिर सुन लो, जो लड़की इतना टाइट सलवार कमीजी क्यों ना पहने, साड़ी क्यों ना पहने, इतने टाइट कपड़े पहन ले कि कपड़ा पहनने के बाद उस औरत या उस लड़की के जिस्म का फिगर दिखाई दे रहा हो, उसकी बाहें दिखाई दे रही हो, उसके शरीर का, उसके जिस्म का फिगर दिखाई दे रहा हो कि ये इतने सेंटीमीटर होगा, ये इतने इंच होगा, ये सारी चीजें अगर नुमाया हो रही हो तो वो जिस्म चाहे कितना ढका हुआ हो, ये नंगे में शुमार है, ये ओरिया में शुमार है, ये बढ़ानापन में शुमार है। अल्लाह के नबी ने ऐसी औरतों के लिए कहा है, आरियात कासियात कपड़े तो पहने हुए होंगी, आरियात लेकिन नंगी कहलाई जाएंगी। दुनिया फैशन परस्त कहे, आज की मीडिया फैशन कहे, तुम उसको ये कहो कि आजकल का फैशन है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत में उनको नंगा कहा जाएगा। वो आरियात है, वो बरहना है, वो नंगी है। मुमीलातुन व माइलात, लड़कों से बातें करती हो, लड़कों की तरफ माइल होती हो और लड़के भी अब उनकी तरफ झुकते हो, यानी हंस हंस कर बातें करती हो, गुफ्तगू करती हो, इतना मेकअप करके निकलती हो कि उनको देखकर लड़के फरेबता हो जाए और ये भी उनके ऊपर माइल हो जाए। जब तुम ये देख लो अपने जमाने में और ऐसा माहौल देख लो, तो ऐसी औरतों को देख कर सोच लेना, ला यदखुलनल जन्ना वला यजिदना रीहा, ऐसी औरतें जन्नत के अंदर दाखिल न होंगी, जन्नत तो दूर, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी, जन्नत की खुशबू से भी महरूम हो जाएंगी। हमारे और आपके ऊपर है, अपनी बेटियों को कैसे पहनाना है, कैसे कपड़े पहनाना है, क्या पढ़ाना है, कहां जाना है। यहां अच्छी बात है, अल्लाह का शुक्र है, सुना है लड़कियों का मदरसा चल रहा है, तालीम निस्वा बहुत जरूरी है औरतों की, लेकिन याद रखिएगा मेरे भाइयों, मदरसे के लोग मदरसे तक जिम्मेदार हैं, मदरसे के बाद जब आपकी बेटी आपके घर आएगी तो आप जिम्मेदार हैं, आपको देखना पड़ेगा। ऑनलाइन पढ़ाई माहौल है दीजिए, लेकिन आप वहां बैठिए, आपके पास टाइम नहीं है, आप अपनी बीवी को वहां बिठाइए कि मेरी बच्ची के पास बैठे, भाई को बिठाइए कि वो आपके पास बैठे, एक घंटा दो घंटा कमरे में बंद होकर वो पढ़ रही है ऑनलाइन, और दो घंटे के बाद फिर पढ़ाई खत्म, फिर हाँ थोड़ा सा काम कर रही हूँ। अब क्या काम कर रही, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बदगुमानी करिए, लेकिन ये दरवाजे हैं, दरवाजे चोर, दरवाजे चोर। सर्दियों के दिन का तो लड़कियां दुआ मांगती हैं, अल्लाह सर क्यों अच्छा मौका होता, लिहाफ अंदर डाल डाल के व्हाट्सएप चलाती हूँ, कौन देख रहा है, सर्दी है हमारी बेटी सो रही है और पता चला कि अंदर मोबाइल चल रहा, व्हाट्सएप चल रहा, गुफ्तगू चल रही है, इन चीजों ने दरवाजे को, आपको मालूम है हजरते मरियम की किफालत कर रहे थे हजरते जकरिया, और जब मरियम के पास मेहराब के अंदर मस्जिद के अंदर बेमौसम फल आ गए, बेमौसम फल का मतलब समझ रहे, सेब का मौसम नहीं सेब देखा, केले का मौसम नहीं केला देखा, किसने, हजरते जकरिया ने। सूरह मरियम पढ़िए मेरे भाइयों, जैसे ही हजरते जकरिया ने मरियम के पास बेमौसम फल देखे, ये वही मरियम है जो इतनी पाक दामन है कि जिनको उनके किसी शौहर ने किसी मर्द ने नहीं छुआ, अल्लाह ने इसी मरियम से ईसा को पैदा किया, ये वो मरियम है जिनकी पाक दामनी का ऐलान अर्श वाले ने, अल्लाह ने किया है, ये मरियम है जिनकी पाक दामनी का ऐलान अल्लाह
ने किया, लेकिन इनके पास मस्जिद के अंदर जब बेमौसम फल देके जकरिया ने, इनकी सरपरस्त ने जब बेमौसम फल देके, तो हजरत जकरिया को गुस्सा आया। उन फलों को देखकर मरियम की तरफ देखा, अन्ना लके हाजा, आए मरियम ये क्या है, ये फल तेरे पास कहां से आ गया? तरबूज का मौसम नहीं, तरबूज देख रहा हूँ। खरबूजे का मौसम नहीं, खरबूज खरबूजा देख रहा हूँ। आम का मौसम नहीं, आम देख रहा हूँ। ये बेमौसम फल तेरे पास कहां से आए? आह नेकी पाक दामन थी, किसी मर्द से उसने बात तक नहीं की थी, कोई उसका बॉयफ्रेंड नहीं था, इसलिए दिल की आवाज दिल से कहती है, आए जकरिया, आए मेरे सरपरस्त, आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, मैं आपको धोखा कैसे दे सकती हूँ? ये किसी लड़के ने नहीं दिया है, यकीन कीजिए आपकी दी हुई तालीम का असर मेरे ऊपर चढ़ा रहेगा, ये किसी बॉयफ्रेंड ने नहीं दिया है। कालत हुआ मैंने अल्लाह, चीख कर कहती है मरियम, आए मेरे सरपरस्त, ये अल्लाह की तरफ से आए हैं, ये बेमौसम फल कोई फरिश्ता लाया है, किसी लड़के का इसमें कोई हाथ नहीं। जब मरियम की क्लास ली जा सकती है, जब अल्लाह की इस नेक बंदी की क्लास ली जा सकती है, और इसका सरपरस्त बेमौसम फल के बारे में मरियम से पूछ सकता है, तो आपको अपनी बेटियों पर कैसे भरोसा हो गया है? कैसे सवाल नहीं करते, ये मोबाइल तेरे पास कहां से आया है? तू घर से गई थी, तेरे हाथ में रुमाल नहीं था, अब ये रुमाल तेरे पास कहां से आया है? तू घर से एक किताब लेके निकली थी, अब ये तीन किताबें और कॉपी लेकर आई, ये कहां से आई है? तेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं था, आज 200 रुपए का बैलेंस ये तेरे मोबाइल में कहां से आ गया है? तेरे मोबाइल में तेरे डैडी तेरे अब्बू के अलावा किसी का नंबर नहीं था, ये चार पांच जगहों की मिस पहले पड़ी, ये नंबर किसकी है? तुम्हें शर्म नहीं आ सकती, तुम अपनी बेटियों से ये सवाल नहीं कर सकते हो? जब मरियम से सवाल किया जा सकता है, वो मरियम जिनको अल्लाह ताला ने पाक दामन कहा है, जिसकी पाक दामनी का ऐलान अल्लाह ने किया है, जब उस पाक दामन औरत से सवाल किया जा सकता है, तो हम और आप कौन है मेरे भाइयों? अपनी बेटियों पर इतना भरोसा किए बैठे, करना पड़ेगा हिसाब, लेना पड़ेगा हमें अपनी बेटियों का हिसाब, और नहीं लेना पड़े, नहीं लेते हो तो तैयार रहो, प्लानिंगें हो चुकी हैं, हमारी बच्चियां दूसरों की बहुएं बनेंगी और गैर मुस्लिम बच्चे पैदा करेंगी। अब उनके पेड़ से पैदा होने वाले बच्चों के नाम लक्ष्मण, रामचंद्र, हनुमान, यही सब रखे जाएंगे। इंतजार करो आप उस वक्त। बात तो सही है मौलाना, लेकिन इतनी देर तक के लिए सही है, बस इतनी देर तक के लिए, जितनी देर के लिए हम यहां बैठे हुए हैं, उतनी देर के लिए। यहां से जाएंगे, हंसते हुए जाएंगे, लड़ते हुए जाएंगे, अपनी साइकिल और गाड़ियां निकालते हुए यहां से हट हट, पहले हम निकल रहे हट थी वही।